सो गाइस पबजी फाइनली इंडिया से बैन हो चुका है और दोस्तों इसके साथ 118 एप्लीकेशन और भी बैन हुए हैं जो कि चाइनीज एप्लीकेशन थे। और दोस्तों वो एप्लीकेशन क्यों बैन हुए हैं और जब से टिकटॉक बैन हुआ है उनके साथ सारे चाइनीज एप्लीकेशन को ग्रहण लग चुका है और इंडिया से एक एक करके सारे चाइनीज एप्लीकेशन बैन होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सारे एप्लीकेशन के बैन होने के पीछे का क्या रीजन है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यार। अगर वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों जो 118 एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन थे। और दोस्तों इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन को भी बैन किया था। जब टिकटॉक बैन हुआ तब 59 ऐसे एप्लीकेशन थे जो चाइनीज एप्लीकेशन थे, उन सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों 47 एप्लीकेशन और बैन किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज जो एप्लीकेशन थे। अब दोस्तों 118 एप्लीकेशन बैन कर दिए हैं समेत पबजी। दोस्तों पबजी बहुत ही पॉपुलर गेम था दोस्तों, इस एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों इन सभी एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे का क्या रीजन है तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे क्या रीजन है। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि दोस्तों अपने देश की सुरक्षा के लिए चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। और चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करना जरूरी भी था दोस्तों, ऐसे कई सारे चाइनीज एप्लीकेशन थे जो अपनी इंफॉर्मेशन उन चाइनीज गवर्नमेंट को भेजते थे और दोस्तों वो अपने ऊपर रिसर्च करके दोस्तों कई सारे वेपन्स वगैरह कई सारे ऐसी चीजें थे होती थी और अपने जो बैंक डिटेल वगैरह सारी ऐसी कई सारी चीज़ें होती थी जो वो अपने उठा लेते थे और दोस्तों कई सारे तरह के फ्रॉड करते थे इंडियन लोगों के साथ। तो ऐसे में दोस्तों चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करना भी बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इन सारे एप्लीकेशन को बैन किया है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रीज़न था। और दोस्तों सबसे पहले 59 जो एप्लीकेशन थे वो एप्लीकेशन भी ऐसे ही थी और दोस्तों उसके बाद 47 एप्लीकेशन थे वो भी चाइनीज एप्लीकेशन थे, उनको भी सुरक्षा के तहत ही बैन किया गया था। और दोस्तों ये जो 118 एप्लीकेशन बैन किए गए समेत पबजी दोस्तों इन्हीं एप्लीकेशन को भी सुरक्षा के तहत बैन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट 118 एप्लीकेशन के, ये सारे एप्लीकेशन बैन कर दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। अगर आप इंडिया के अंदर पबजी खेलना चाहते हैं तो अब आप पबजी नहीं खेल सकते हैं क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर पबजी बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। इंडिया के अंदर आप किसी भी तरह के पायरेटेड या फिर किसी भी तरह से आप अगर पबजी खेलना चाहते हैं तो पबजी आप नहीं खेल पाएंगे क्योंकि दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन था पबजी, इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया है टोटली इंडिया के अंदर। तो दोस्तों यही कुछ रीजन था इंडिया के अंदर चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता है।